अगर आप भी फास्ट फूड या अन्य खाना ऑनलाइन मंगाते हैं तो हो जाएं सावधान और सतर्क, क्योंकि साइबर ठगों की नज़र आप पर है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर कोई शॉपिंग से लेकर खाना तक ऑनलाइन मंगवाता है। अब साइबर ठग भी शातिर हो चुके हैं, उन्होंने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वालों को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यमुनानगर में भी एक ऐसा मसला सामने आया जिसमें पहले तो सागर रत्न की एक फेक वेबसाइट बनाई गई। जब यमुनानगर के एक व्यक्ति ने उस साइट पर खाना ऑर्डर किया तो उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करवा उसके 1,00,000 रुपए उड़ा दिए, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत यमुनानगर साइबर क्राइम थाने को दी। साइबर थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर नसीब सिंह ने बताया कि आशीष नाम के शिकायतकर्ता से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत में बताया गया था कि सागर रत्ना की एक वेबसाइट पर फूड के लिए ऑर्डर किया था, जिसके बाद एनी डेस्क नाम की एक ऐप डाउनलोड करवाई गई और 1,00,000 का फ्रॉड किया गया। इस शिकायत पर हमने मामला दर्ज, जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले आरोपी को बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है। भागलपुर से उसे गिरफ्तार कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम NCRB पोर्टल पर इसको चेक करेंगे। अगर इससे जुड़ी कोई और शिकायत होगी, जो मोबाइल नंबर, जो अकाउंट नंबर इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो उसे भी अपडेट करेंगे। वहीं उन्होंने जनता से अपील की कि सतर्क रहे, कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हुए पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस्तेमाल करें। आजकल साइबर ठग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, कभी OTP तो कभी ऑनलाइन फूड के नाम पर ब्रांडेड फूड कंपनियों के नाम की फेक ऐप साइट बनाकर इस तरीके से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। जितने ज्यादा लोग सतर्क होंगे उतना ही इनसे बचा जा सकता है। इसमें हमने आशीष ओबराई है, यमुनानगर का रहने वाला, उसकी कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी। इस कंप्लेंट में एक सागर रत्न की एक वेबसाइट बनी हुई थी, जिसमें उन्होंने फूड के लिए ऑर्डर किया था और इस तरह उनको एक एनी डेस्क नाम की एक एप्लीकेशन होती है, वो डाउनलोड करवा के और 1,00,000 रुपये का फ्रॉड कर लिया था। हमने इस पर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक भागलपुर का एक आरोपी इसमें आया था, जिसको हमने कल अरेस्ट कर लिया है, जिसकी पहचान रोहित कुमार सनोफ राम यादव के से हुई है और भागलपुर से हमने अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड पर लिया हुआ है। आज इसको हमने कोर्ट में पेश करना है और फिर उसके बाद उसकी रिकवरी और आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिर सागर रत्न के नाम से एक फेक वेबसाइट बनी हुई है, उस पर ही उन्होंने फूड के ऑर्डर किया था। हमने NCRB पोर्टल पे इसको चेक करना है और उसकी कंप्लेंट यदि कोई और होगी तो वो टैगिंग में आ जाती है। उसके जैसे जो मोबाइल नंबर और जो अकाउंट नंबर इसमें आएंगे वो हम NCRB पोर्टल पे अपडेट भी करेंगे, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि बाकी और भी अकाउंट इसके साथ अटैच है क्या नहीं है।